असलम एंड वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लास ऑफ मुजन मॉन्टीसरियन स्कूल फॉर ग्रेट वन स्टूडेंट्स इन टूडेज अवर ऑनलाइन क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट नंबर टू द लकीफ एंड दैन वी विल सॉल्व इट्स एक्सरसाइज वट यू है टॉपट नंबर टू द लकी लकी कहते हैं खुश नसीब पत्ते को अब हम देखते हैं कि वो खुशनती पता कैसे होता है वर्ड्स टू नो कराई टू शेड टीयर्स बिकॉज़ यू आर अपसेट और हर्ट क्राई का मतलब होता है रोना जब आप रोते हैं जब आप हर्ट uh, होते हैं आपको कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर आपकी आंखों से जो आंसू आते हैं उसे क्राई उसे फिर आपको रोना आता है उसे कहते हैं क्राई नेक्स्ट वर्ड इज़ लॉस्ट गॉन मिसिंग लॉस्ट का मतलब है किसी चीज़ का गुम होना Rahila is crying. Rahila रो रही है She has lost her golden bangle. उसकी उसने अपनी सोने की चूड़ी उसकी गुम हो गई है Don't cry, Rahila says mom. उसकी मम्मी कहती है Rahila रो नहीं Go and play. जाओ और खेलो Rahila goes outside. Rahila बाहर जाती है She sits under the wood apple tree. वो जो सेब के दरख्त के नीचे बैठ जाती है इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल जो दीवार के दीवार के से अगली होती है राहिला काउंट्स द लीव्स ऑन द ट्री राहिला जो है वो दरख्त के ऊपर जो पत्ते हैं उनको गिनती है वन टू थ्री फोर वन लीफ इज़ फॉलिंग फ्राम द ट्री एक पत्ता जो है वो दरख्त से नीचे गिर रहा है दिन ग्लोव आंधी चलती है इट कैरीज़ द लीफ अप इन टू द एयर वो जो आंधी होती है उस पत्ते को हवा में ले जाती है दलीफ इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ हर अब जो पत्ता है वो उसके सामने होता है मूव मूव्स ऑन टू नेक्स्ट पेज राहिला स्टैंड अप राहिला खड़ी होती है द विन स्टार्ट अगेन दोबारा आंधी शुरू हो जाती है दलीफ डेंसेज अप एंड डाउन जो पत्ता होता है वो डांस करना शुरू कर देता है अप एंड डाउन ऊपर और नीचे लेफ्ट एंड राइट लेफ़्ट का मतलब होता है उल्टा एंड राइट का मतलब होता है सीधा इट टर्न्स एंड टर्न्स वो घूमता है और घूमता है इट पिन लाइक अ टॉप और वो जो टॉप कहते हैं वो जो है वो लट्टू की तरह घूमता है इट इट क्लाइम्स हाई अबव द रूफ और वो जो है वो रूफ़ से भी छत से भी ऊपर वो फिर चढ़ता है वट फन सेज़ राहिला राहिला कहती है क्या फ़न है राहिला रनस आफ्टर द लीफ वो उस पत्ते के पीछे भागती है इट मूव्स इन फ्रंट ऑफ हर एंड बिहड हर पत्ता उसके आगे पीछे जो है वो हरकत करता है या घूमता है सोन द लीफ फॉल्स इन टू अ होल जल्द वो पत्ता एक होल uh, का मतलब होता है एक सुराख में गिरता है इट इज़ एट दाइट ऑफ अर रोज़ पुश वो जो पत्ता जहाँ गिरता है वो एक जो होता है गुलाब की जो झाड़ी होती है उसके करीब होती है राहिला पिक्स अब द लीफ राहिला उस पत्ते को उठाती है शी फाइंड्स हर गोल्डन बैंगल अंडर इट तो वहाँ पे उसको अपने सोने की चूड़ी भी नज़र आ जाती है राहिला लॉफ्स राहिला हंसती है शी टेक्स द बैंगल एंड द लकी लीफ टू शो लीफ टू शो मॉम वो क्या करती है चूड़ी और पत्ता दोनों अपनी अम्मी को दिखाने के लिए ले जाती है सो so स्टूडेंट्स हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है नाउ लेट्स मूव ऑन टू इस क्वेश्चन आंसर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ट डज राहीला लॉस राहिला की क्या चीज़ गुम होती है आपको याद है ना तो इसका आंसर है शी लॉसिस हर गोल्डन बैंगल उसकी सोने की चूड़ी गुम होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डज़ राहिला सिट राहिला कहाँ बैठी होती है uh, सेब के दरख्त के नीचे तो इसका आंसर है शी सिट्स डर आर ट्री वो दरख्त के नीचे बैठती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट डज राहिला डू राहिला क्या करती है वो दरख्त के पत्ते गिन रही होती है सो so, इसका आंसर है शी काउंट्स फॉलिंग लीव्स वो काउंट करती है गिनती है दरख़्त से जो पत्ते गिर रहे हुए होते हैं उनको नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डज़ द लीव फ्लाई जो लीफ होता है वो कहाँ फ्लाई करता है द लीफ फ्लाइज़ इनटू एयर जब आंधी चलती है तो वो एयर यानी हवा में फ़्लाई करती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डज़ द लीफ फॉल आपको याद है ना पत्ता कहाँ गिरा था एक सुराख में गिरा था तो इसका आंसर है द लीफ फॉल्स इनटू अ होल एक होल सुराख में वो पत्ता गिरता है लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई डज राहरा लॉफ राहिला क्यों खुश होती है क्योंकि उसको उसका जो है वो गोल्डन बेंगल मिल जाता है सो so, इस आंसर इज़ बिकॉज शी फाउंड हर बैंगल क्योंकि उसको उसकी चूड़ी मिल जाती है पेज नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो सॉल्व करनी है डैश इज़ क्राइंग आपने बताना है कौन जो है वो रो रही है नेक्स्ट इज़ डैश इज़ फॉलिंग फ्राम द ट्री कौन सी चीज़ है जो ट्री से नीचे गिर रही है अगला है नंबर थ्री द वि डैश जो आंधी है वो क्या होती है नेक्स्ट है द लीव डांसेस लीव डांस करता है डैश एंड डाउन नीचे और कहाँ ये आपने यहाँ लिखना है डैश एंड राइट इसी तरह आपने इसको भी ये जो यूनिट है इसमें से फाइंड करके सॉल्व करना है लास्ट वन इज राहिला डैश अप द लीव इसको भी आपने इसी तरह जो है वो इसकी भी ब्लैंक आपने इसी तरह यूनिट में से फाइंड करनी है और फिर इनको यहाँ पे लिखना है

On your notebook, and you have to learn this question-answer. So till next class, stay happy and blessed. Allah hafiz.